तो गाइस कभी कभी तुम सोचते होगे कि भाई मैं तुम्हारे कमेंट्स को रीड करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैंने फैसला किया कि भाई पिछले वीडियो के जो कमेंट्स होंगे उनको पिक करके भाई न्यू वीडियो के जो एंड होगा ना उसमें यहाँ पर डाल दूंगा। तो अभी से भाई मीठे मीठे और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स लिखने शुरू कर दो, क्योंकि भाई तुम्हारे कमेंट्स जो है वीडियो के एंड में दिखाए जाएंगे तुम्हारे नाम के साथ। तो चलो गाइस अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बड़े भाइयों और उनके छोटी बहनों कैसी हो, स्वागत करता हूँ आज आपका एक और BGMI के गेम प्ले वीडियो में, जहाँ पर मैं करता हूँ अपनी घिसी पिटी सी कमेंट्री और आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इसके साथ साथ एक बहुत ही नकली एंटरटेनमेंट। तो भाई आज के ये सीन होता है कि यहाँ पर नीचे उतरते हैं और एक बॉट मिलता है और एक बॉट जैसा बंदा मिलता है, तो भाई जल्दी जल्दी से उनकी पेटी बनाते हैं और यहाँ पर चार नंबर और मैं जो है बग्गी को लेकर के भाई जब यहाँ से पोचंकी की तरफ से गुजर रहे होते हैं तो एकदम शांति होती है, लेकिन एकदम से फायरिंग की आवाज़ आती है और हमें बताया जाता है कि भाई हम यहाँ हैं, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो हमने भी अपनी बग्गी घुमाई और ये जो पीला वाला घर देख रहे हैं इसके अंदर जाते हैं और भाई मैं जैसी खिड़की के पास खड़ा होता हूँ तो फुट स्टेप आते हैं और आगे की तरफ बंदा दिखता, तो उसके बाद यहाँ पर मैं एक नेट टॉस करता हूँ कि इतने में भाई नेट से क्या होगा वो तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर चार नंबर नॉकआउट हो जाएगा। देखो खैर बेचारे की अब यहाँ पर पेटी भी बन जाएगी। अब इसको नॉकआउट करके तो भाई चार नंबर का बदला ले लिया। अब इसके बंदे के फुटस्टेप आते हैं। अब जब तक इनकी पेटी बनेगी तुम लाइक का बटन जरूर दबा देना। क्या कहा, दबा दिया? तो बहुत अच्छी बात है यार। तो इसी के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना और भाई बेल आइकन को ऑल पर दबा देना, तभी तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगी। अब आगे का ये सीन होता है कि भाई यहाँ पर ये जो घर होता है मैं इसकी सीढ़ी पर जाकर के भाई आराम से हीलिंग कर ही रहा होता हूँ कि यहाँ पर भाई मुझे गोली चलने की आवाज आती है और भाई नेट भी फटता है। एक बार तुम सुनो यार, अपने कान से सुनो। खैर जब मैं अपनी हीलिंग यहाँ पर कर लेता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर भाई थोड़ी देर तक रुकता हूँ और यहाँ पर भाई दो बंदों के फुटस्टेप आने लग जाते हैं तगड़े वाले। सुनो अब ये जो फुटस्टेप आ रहे होते हैं तो भाई बंदे मेरे सामने वाले घर में होते हैं और वो मुझे दिख भी रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सोच रहा था कि भाई रश कर दूँ कि मतलब क्या करूँ। तो इसके बाद मैंने सोचा कि अच्छे मौके का इंतजार करते हैं और भाई मेरे को एक अच्छा मौका मिलता है, तो उसके बाद देखो क्या होता है। एक तो गया, अब दूसरा वाला भी यहाँ पर गलती कर देगा। देखो अब जब तक इनके यहाँ पर पेटी बनाऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूँ तुमने यहाँ पर कमेंट कर दिया होगा, तभी तो तुम्हारे कमेंट को अगली वीडियो में लगाऊंगा। और ये फैसला मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि यार यहाँ पर मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, लेकिन यार यहाँ पर मैं कोई रिएक्शन व्याक्शन नहीं देने वाला, इमोशनल वाला रिएक्शन। तो यार चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ भाई मेरे को दो लपड़ झंडूस मिलता है तो उनकी पेटी बना देता हूँ, लेकिन वो सीन दिखाऊंगा नहीं, बहुत बोरिंग सीन है। उसके बाद भाई यहाँ पर मैं बग्गी को लेकर जब आगे जा ही रहा होता हूँ तो बीच रास्ते में गाड़ी दिखती है, तीन बंदे दिखते हैं। अब आगे देखो यहाँ पर सलमान भैया के प्रैक्टिस से अपनी बग्गी से भाई इस बंदे को रगड़ा मारता हूँ, उसके बाद सीधा आगे जाता हूँ और उसके बाद मौली करता हूँ। देखो फिर क्या होता है। तो इन लोगों की यार मतलब क्या ही गजब पेटी बनाई यार यहाँ। तो इस गजब पेटी बनाने के लिए यहाँ पर तुम लाइक का बटन दबा सकते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और भाई कमेंट जरूर कर देना, तभी तो तुम्हारी कमेंट को मैं नई वीडियो में डालूंगा। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मतलब पता नहीं तुम लोग कहीं भूल ना जाओ। तो इसके बाद यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ और गाड़ी को उठा करके सीधा पटक देता हूँ अपार्टमेंट के छत पर नहीं नीचे, और छत पर तो मैं चढ़ जाता हूँ और भाई आगे से फिर दो दो गाड़ियां आती हैं। तो उसके बाद क्या होता है देखो फिर। अब जी ये दोनों बंदे तो रास्ते में ही पकड़े गए। अब दूसरी गाड़ी में पता नहीं कितने बंदे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं क्योंकि वो अपनी गाड़ी को लेकर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर इनको पकड़ने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन यार पकड़ नहीं पाता, आखिरकार निकल ही जाते हैं इतना सारा डैमेज देने के बाद भी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा छोड़ो यार, सीधा नीचे उतरता हूँ और उसके बाद भाई इनकी यहाँ पर पेटी लूटता हूँ जिनकी मैंने पेटी बनाई थी। नीचे दो पेटी पड़ी थी और भाई इनकी पेटी में से मुझे मिनी 14 मिल जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन यार मिनी 14 चलाने का मन कर रहा था क्योंकि स्नाइपिंग उसी से करने का मन कर रहा था। मतलब अब क्या करे, गरीबी में आटा गीला, अब सच किसको बताएं। खैर इसके बाद यहाँ से मैं गाड़ी को लेकर के सीधा मतलब टैक्स सेंटर पे रोकता हूँ, उसके बाद वहां से देखने लग जाता हूँ रोजौकी पहाड़ी पे मुझे बंदे दिखते हैं, लेकिन अच्छी सी लोकेशन नहीं मिल रही थी भाई मुझे स्नाइपिंग करने के लिए। तो मैं वापस बग्गी में बैठा, बग्गी मिली मुझे और सीधा भाई रोजोक के पास जो घर होता है ना वहां पर जाकर के ठोक देता हूं। और भाई जैसे ही रोजोक की पहाड़ी पे देखता हूं तो वहां पर स्नाइपिंग टावर में बैठा हुआ एक बंदा मिलता है, तो देखो फिर क्या होता है। अब इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ कि भाई ये नीचे उतर जाता है। अब पता नहीं भाई टोटल पहाड़ पे कितने बंदे हैं, लेकिन ये यहां पर भाई नासमझी कर देता है। ये भैया जी मेरे मुंह के सामने आके लेट जाते हैं, अब मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूं। जैसे तैसे करके पकड़ में आ गया। अब टावर पे एक और बंदा दिखता है।
अब थोड़ा बहुत डैमेज देने के बाद भाई ये यहाँ पर स्मोक बना लेता है और स्मोक के अंदर ही अंदर उतर जाता है और पहाड़ के पीछे जाकर के भाई बैठ जाता है और बड़ी देर तक इंतजार करवाता है ये बंदा, बड़ी देर तक। और भाई जैसे तैसे करके फिर ये एक ऐसी पोजीशन पे आकर के बैठता है कि ये सोचता है कि भाई ये मुझे निशाना बना लेगा, लेकिन मैं ही इसको निशाना बना लेता हूँ। देखो तो यार यहाँ पर एक सही सही बात बताऊं, यहाँ पर भाई मैंने इस बंदे को नॉकआउट तो कर दिया पर मुझे नहीं पता क्यों पर इसकी किल मुझे नहीं मिली। शायद उसका बंदा कोई और वहां पर होगा जिसने इसको रिवाइव दे दिया होगा। खैर जितने में मैंने इस बंदे को नॉकआउट किया, यहाँ पर एक बंदा बार बार स्कूटर घुमाया जा रहा था तो मैं देख रहा था कि भाई वो मुझे दिखे, पर इतने में भाई यहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है। तो सुनो तुम, अब आवाजें तो भाई तरह तरह किस्म किस्म के आ रही थी, लेकिन भाई कोई बंदा दिख ही नहीं रहा था, बस आवाजें ही आ जा रही थी। लेकिन यार बहुत देर बाद जाकर के ना वो बंदा जो गाड़ी से आया होता है वो मुझे दिखता है। तो देखो फिर, अब एक पल के लिए तो लगा कि भाई ये बच के निकल जाएगा, लेकिन जैसे तैसे भाई लपेटे में ले लिया और इसकी यहाँ पर पेटी बन गई। अब ये शायद अपनी टीम का अकेला बंदा होगा, तभी तो इसकी यहाँ पर सीधा हरा धुआं आ गया और पेटी बन गई। अब यहाँ पर मैं बहुत देर तक इंतजार कर रहा था कि भाई मतलब कोई दिखे, कोई आवाज आए, और रोजोक की पहाड़ी पे भी देख रहा था कि शायद वो बंदे दिख जाए, लेकिन वो तो नहीं दिखता। लेकिन बहुत देर बाद यहाँ पर गोली चलने की आवाज आती है। सुनो, अब यहाँ पर भाई मैं संभल के इसलिए भी खेल रहा था क्योंकि यहाँ पर भाई मैं अपने टीम में अकेला बचा था। खैर जब मैं आगे की तरफ देखता हूँ तो भाई मुझे गिली सूट वाला दिखता है जो कि अपनी गाड़ी को लेके आया होता है। तो देखो फिर मिनी 14 चलाते हैं। तो भाई इस बंदे के भी मैंने पित्तल तब तक भरे जब तक इसकी पेटी में से मैंने हरा धुआं नहीं निकाल दिया। और उसके बाद यहाँ पर भाई जोन आ गया था, तो यहाँ पर भाई थोड़ी हीलिंग वीलिंग लगाई और सीधा बग्घी पकड़ करके ये जो कोना आप देख रहे हैं यहाँ पर, कोना कहाँ है यहाँ पर, एकदम खुले में अपनी बग्घी को लेकर के पटक दिया। और यहाँ पर मैं कोशिश करने लगा कि भाई शील्ड लगा सकूं, लेकिन भाई शील्ड लगी नहीं रही थी, हर जगह लाल लाल आया जा रहा था। और इस चक्कर में मतलब देखो फिर क्या होता है, यहाँ पर भाई मैं सच बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ एकदम यार, अगर ये शील्ड लग जाती ना तो भाई मुर्गी मुर्गी डिनर हमारा ही होता। लेकिन यहाँ पर इस सपोड़ी ने भाई गोली चलाई और सीधा तुम्हारे भाई की पेटी बना दी। अब यार वो शील्ड लगी नहीं रही थी, एक पल के लिए भाई लग रहा था कि लग भी जाएगी, पर पता नहीं मतलब गलत ही सीन होगा यहाँ पर यार, मतलब क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा दुख हुआ। खैर यार दुख में भी जो मजा है ना वो मेरे से पूछो यार, मतलब दुख में भी एकदम मजा ही आ जाता है मुझे। तो इसी के साथ साथ अब यहाँ पर भाई तुम वीडियो को लाइक कर देना और भाई कॉमेंट कर देना, तभी तुम्हारा कॉमेंट अगली वीडियो में लिया जाएगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। तो चलो यार अब तुम्हारे कमेंट्स को दिखाते हैं और भाई मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टाटा, सायोनारा, बाय बाय। I'll be lurking, I'ma hurt 'em. And all these bridges that I'm building, I'ma burn 'em. Burn 'em, burn 'em. I'ma let a nigga burn, burn, let him burn.